गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी, जहां हम करते हैं शेयरों की खोज फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर और स्ट्रॉन्ग शेयर्स ढूंढकर उन्हें खरीद कर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय तक के लिए मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक शेयर और कमेंट्स अगर ये वीडियोज़ किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके। वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिए गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज करके हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, एंजॉय कीजिए इस सेशन को, हैप्पी इन्वेस्टिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक और सेशन में शेयर एकेडमी के, और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, अगेन वो फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज का ही अगला वीडियो है। इससे पहले कि आप सब लोगों ने देख रखे हैं हमारी फंडामेंटल सीरीज के जो वीडियोस, और हम ये मानकर चल रहे हैं फ्रेंड्स कि आपने एक से लेकर सिलसिलेवार फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज के ये जो वीडियोज हैं इन्हें देखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं है और आपने अभी अभी जंप किया है इस वीडियो को देखने के लिए, जो कि है बैलेंस शीट के बारे में, आज का ये 15th वीडियो इस सीरीज का, सो इस वीडियो को इसी जगह पॉज कीजिए। इस पूरी वीडियो सीरीज और फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको अच्छी तरह से समझनी है, सो उसका सही तरीका ये है कि सिलसिलेवार एक नंबर से वीडियोस देखना शुरू कीजिए और उसके बाद समझिए, वरना आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा आपके पास में कन्फ्यूजन्स आ जाएंगे। ओके, आप में से वो लोग जो लगातार देख रहे हैं सीरीज़ को, उनके लिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कि बैलेंस शीट आखिर क्या है, और एक रिटेल निवेशक होने के तौर पर किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट आपके लिए आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है। एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि अगर आप ये 15th वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं बैलेंस शीट को हमने उन पूरे वीडियोस में कवर कर रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ऐसा किया क्यों, ताकि जब हम इसे समराइज करें और बैलेंस शीट के बारे में आपको बताएं तब कोई भी टर्म आपके लिए नया ना हो। कुछ टर्म्स आपके लिए नए हो सकते हैं इसमें से, बट ज़्यादातर टर्म्स जो हैं वो आपके लिए फेमराइज हैं। जब हम इसे डिस्कस करेंगे और आप सुनेंगे इन टर्म्स को तो आप कहेंगे अरे ये तो मुझे पहले से पता है, इस टर्म का मतलब क्या है मुझे पहले से पता है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एज ए रिटेल निवेशक ये भी हमें पहले से पता है। ओके, सो शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का ये सेशन, जो कि है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट क्या है सबसे पहले ये जान लीजिए। तो अगर आप इसकी डिक्शनरी पर इसकी जो इसकी वो है होती है, मतलब क्या कहते हैं इसके बारे में डिटेल डेफिनेशन क्या है बैलेंस शीट की, माफ कीजिएगा, ये अगर जानना चाहें तो देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द एसेट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ अ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि ये बेसिकली एक कच्चा चिट्ठा है, एक चिट्ठा है जिस चिट्ठे के अंदर आप एसेट लाइबिलिटीज यानी कि संपत्ति और दायित्व और कैपिटल यानी कि पैसा, इस सब की डिटेल रखते हैं। ठीक है, यानी कि एक जगह पर आप अगर पाँच छः ये इन तीनों चीज़ों के बारे में डिटेल लिख लें कि आपके पास में कितनी संपत्ति है, कुल कितने दायित्व हैं, कितना पैसा है, ये सब कुछ अगर आप एक जगह सही तरीके से लिखें तो वो जो एक चिट्ठा बनाएंगे उसे कहते हैं बैलेंस शीट। सुनने में थोड़ा सा टफ लग रहा है बट देखने में बहुत आसान है। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट अगर आपको पता करनी है तो सीधा वही काम, मनी कंट्रोल खोलना है आपको, एक ही काम है। मनी कंट्रोल खोलने के बाद जो इसकी सर्च बार है यहाँ पर जाइए और उस कंपनी का नाम डालिए जिस कंपनी की बैलेंस शीट आपको देखनी है। ओके, और उस कंपनी की बैलेंस शीट डालने के बाद जब वो कंपनी का ओवरव्यू खुल जाता है, जैसे इन्फोसिस का ओवरव्यू खुल गया, इसके बाद सीधे इसके फाइनेंस पर जाइए, यहाँ पर आपको ये बैलेंस शीट दिखाई देगी। ओके, ओल्ड फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे हम ताकि समझने में आसानी हो। ये जो आपको सामने दिख रहा है स्टेटमेंट, ये दिख रहा है ना इतना बड़ा, ये बेसिकली है बैलेंस शीट। ठीक है ना, और मज़ेदार चीज़ क्या है कि आज से पहले के जो टोटल 13-14 वीडियोस हो चुके हैं उन वीडियोस के अंदर आप ऑलरेडी बैलेंस शीट को सीख चुके हैं, बट पॉइंट वाइज। एक बार आपने सीखा टोटल शेयर कैपिटल क्या है, अगली बार आपने सीखा कैश रिजर्व क्या है, अगली बार आपने सीखा कंपनी का करंट एसेट क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, ये सीखते हुए आप बैलेंस शीट के बारे में जाने। क्वेश्चन है कि बैलेंस शीट को आखिर बैलेंस शीट क्यों कहा जाता है, क्या चीज़ ये बैलेंस करती है। तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, क्या अगर आपको हम 100 रुपये दे दें एक इंसान के तौर पर और आपसे कहें कि 100 रुपये का आप कुछ भी कर सकते हैं, तो जाहिर है कि आप उस 100 रुपये को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, उस 100 रुपये के 10 रुपये को आप अपनी गाड़ी में तेल भरवाने के लिए खर्च कर सकते हैं, 10 रुपये से आप अपने मोबाइल का रिचार्ज करवा सकते हैं, बचे 80 रुपये, 80 रुपये में से 60 रुपये आप बैंक के अंदर डाल सकते हैं और बचे 20 रुपये को आप अपनी जेब में रख सकते हैं। यानी हमने जो आपको 100 रुपये दिए आपने उसके 4 हिस्से कर दिए, 10 रुपये का तेल डलाया, 10 रुपये का मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज कराया, 20 रुपये अपनी जेब में रखे और 60 रुपये बैंक में जमा कर दिए।
अगर हम आपसे कहें कि जो हमारे 100 रुपए जो हमने आपको दिए थे और जो आपने उस 100 रुपए का किया, क्या ये दोनों बैलेंस हैं? तो जवाब है हाँ, हमने आपको दिए थे 100 रुपए और करंटली आपने जो भी खर्च किए या जो भी आपने सेव करके रखा, इस पूरे को अगर जोड़ देंगे तो उसकी कीमत भी 100 रुपए है। यानी मिला हुआ पैसा प्लस एक्सपेंस किया हुआ पैसा दोनों हमेशा बैलेंस रहते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आप अगर किसी से 100 रुपए लें तो आप खर्च 101 कर देंगे, नहीं, उसके 100 रुपए हमेशा बैलेंस में 100 रुपए रहेंगे, आप चाहे उस पैसे का जो कुछ भी करें। बेसिकली बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट ही यही है। बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है कि लेफ्ट साइड में रिसीव किया हुआ पैसा राइट साइड में कैसे आप उसे एक्सपेंस करते हैं, ये हमेशा बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस रहता है। दैट इज़ वाई इज कॉल्ड बैलेंस शीट, ये चीज़ हमेशा बैलेंस रहती है, ठीक। बट हमारे लिए एक रिटेल निवेशक के तौर पर हमारे लिए इन सब चीज़ों के डेप्थ में जाना ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए किसी बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको कुछ पॉइंट से समझ में आएगी। मिसाल के लिए MRF की बैलेंस शीट अगर आप खोलते हैं तो हमारे लिए बैलेंस शीट में जो चीज़ें जानना ज़रूरी है वो सबसे पहला, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले उसे स्टैंड अलोन बेसिस पर देखिए। इसकी वजह क्या है? स्टैंड अलोन का मतलब है कि कंपनी अपना पर्सनल धंधा करके क्या कर रही है। जैसे एक कंपनी के पास में दो तरह के बिजनेस हो सकते हैं, एक उसका अपना खुद का एक बड़ा बिजनेस, दूसरा वो किसी छोटी कंपनी को अधिग्रहण किए हुए है, तो छोटी कंपनी से भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। बट हमें ये नहीं जानना कि जो बड़ी कंपनी है उसको छोटी कंपनी से कितना प्रॉफिट मिल रहा है, हमें सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना है कि वो कंपनी अपना धंधा करके कितना कमा रही है। ये चीज़ आपको पता चलेगी उसके स्टैंड अलोन पार्ट में। अब ध्यान से देखिए कि बैलेंस शीट के बाद इस बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं। सबसे पहला टोटल शेयर कैपिटल, आपको पता है इससे पहले के वीडियोज़ में हमने बता रखा है कि टोटल शेयर कैपिटल क्या है। जो ये हमारे फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियोस थे, सेम वही वीडियोस आपको यहां पर उन्हीं का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, उसमें से कुछ भी अलग नहीं, ओके? सो ध्यान रखिए कि जो टोटल शेयर कैपिटल है किसी भी बैलेंस शीट के अंदर, ये लगातार बढ़ती हुई नहीं होनी चाहिए। ये या तो स्टैटिक रहनी चाहिए या घटती हुई होनी चाहिए, तब वो बैलेंस शीट स्ट्रांग बैलेंस शीट कहलाती है, ठीक। सेकेंड, रिजर्व, किसी भी कंपनी के कैश रिजर्व लगातार बढ़ते हुए होने चाहिए स्टैटिक रूप से, तभी वो बैलेंस शीट स्ट्रांग बैलेंस शीट कहलाएगी। क्यों? क्योंकि कैश रिजर्व ये बताता है कि किसी भी कंपनी के पास में कुल कितना कैश पैसा है। देन डेट यानी कि उधार, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में जो ये उधार हैं ये लगातार गिरते हुए होने चाहिए, कम होते हुए होने चाहिए। सेकंड चीज, कैश रिजर्व की तुलना में कंपनी के टोटल डेट हमेशा आधे ही होने चाहिए, हमेशा 50% होने चाहिए। ये अगर इससे ज्यादा है या डेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तो वो बैलेंस शीट कमजोर बैलेंस शीट कहलाती है, तब फिर आपको उस कंपनी में निवेश करने से पहले सोचना चाहिए, ओके? देन कम्स टोटल करंट एसेट, टोटल करंट एसेट किसी भी कंपनी के लगातार बढ़ते हुए होने चाहिए, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए। देन करंट लाइबिलिटीज यानी कि साल भर के अंदर होने वाली देनदारियां, करंट एसेट हमेशा करंट लाइबिलिटीज से ज्यादा होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो करंट एसेट प्लस कैश रिजर्व, इन दोनों को अगर जोड़ दीजिए तो वो चीज़ करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा होनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कंपनी से दूर होना शुरू कर दीजिएगा या आपको घबराना शुरू कर देना चाहिए ऐसी कंपनी में, ओके? देन इम्पॉर्टेंट कम्स बुक वैल्यू किसी भी कंपनी की, और ये बुक वैल्यू आपको पता है, इससे पहले के वीडियोज़ में आपको मालूम है कि बुक वैल्यू क्या होती है, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बुक वैल्यू लगातार बढ़ती हुई होनी चाहिए किसी भी कंपनी की। ये हैं मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो किसी एक बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग या फिर वीक बनाती हैं। अब जबकि हम 15 वीडियोस कंप्लीट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तब आपकी जिम्मेदारी बनती है क्या, चीज़ों को आइसोलेशन में नहीं देखना। अब चूंकि आप इस बैलेंस शीट के बारे में सब कुछ जान गए हैं, इसलिए अब आप सिर्फ टोटल शेयर कैपिटल देखकर यह तय नहीं करेंगे कि बैलेंस शीट स्ट्रांग है या नहीं या कंपनी निवेश के लायक है या नहीं। अभी तक आपको हम सिर्फ एक एक पॉइंट सिखा रहे थे, जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग, जैसे कि डिलीवरेबल वॉल्यूम, या जैसे कि बुक वैल्यू, ठीक है, या जैसे कि शेयर कैपिटल। इसमें हमने सिखाया कि एक शेयर कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो यह कंपनी के लिए खराब चीज है, शेयर कैपिटल घट रहा है तो अच्छी चीज। लेकिन अब इसके बाद आप चीजों को आइसोलेशन में नहीं देखेंगे, आप चीजों को देखेंगे एक दूसरे के रेफरेंस में। टोटल शेयर कैपिटल अगर किसी कंपनी का बढ़ भी रहा है, अगर कैश रिजर्व बढ़ रहा है, डेट कम हो रहा है, तो इसका मतलब कंपनी स्ट्रांग है। इसलिए अब आपको चीजें एक एक नहीं देखनी है, आपको होलिस्टिक व्यू देखना है, पूरी बैलेंस शीट को एक साथ देखना है कि टोटल शेयर कैपिटल कैसा परफॉर्म कर रहा है,
कैश रिजर्व लगातार बढ़ रहा है या नहीं, कंपनी का डेट लगातार कम हो रहा है या नहीं, करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज के बीच में डिफरेंस कितना है, साथ ही करंट एसेट प्लस कैश रिजर्व दोनों को ऐड कर लेने से लाइबिलिटीज से कितना ज़्यादा आ रहा है, और साथ ही साथ कंपनी की बुक वैल्यू लगातार बढ़ रही है या घट रही है। अब आप सिर्फ एक चीज़ नहीं देखेंगे और इसके साथ साथ कुछ चीज़ों पर और लौट लौट कर ध्यान देते रहिए, जैसे कि इन्वेंट्रीज। किसी भी कंपनी की इन्वेंट्रीज लगातार बढ़ती हुई नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर इन्वेंट्रीज आ रही हैं तो इसका मतलब कंपनी के साथ समस्या है। ज़रा MRF के साथ में देखिए इन्वेंट्रीज की इतनी समस्या क्यों आ रही है। समस्या यह है कि सामान बिक नहीं रहा है। इन्वेंट्रीज का मतलब है स्टोर रूम में रखा हुआ सामान, गोडाउन में रखा हुआ सामान। अगर इन्वेंट्रीज बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं तो इसका मतलब कि सामान बिक नहीं रहा है। सामान अगर बिकेगा नहीं तो कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी इतनी जल्दी, ठीक है। ऐसे करके आप धीरे धीरे इन चीज़ों को स्टडी करते रहिए। ये वीडियो फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ रिटेल निवेशकों के लिए है, उनके लिए जो सीख रहे हैं नया नया फंडामेंटल एनालिसिस करना। ये किसी एक चार्टर अकाउंटेंट की पढ़ाई करने वाले के लिए नहीं है वीडियोस। ये वीडियोस सिर्फ निवेश करने वालों के लिए हैं, रिटेल निवेशकों के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि लैंग्वेज बिल्कुल ईजी है, एकदम आसान चीज़ें सिखा रहे हैं, तो जान लीजिए कि ये चीज़ें उन्हीं के लिए हैं जिन्हें आसान चीज़ें सीखनी हैं, हमारे रिटेल निवेशकों के लिए हैं जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि बैलेंस शीट के बारे में ये 5-6 मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं इन्हें आप ध्यान रखेंगे। जब आप इस तरह से किसी एक बैलेंस शीट का होलिस्टिक व्यू लेकर एनालाइज करना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कौन सी बैलेंस शीट स्ट्रांग है। और जब बैलेंस शीट आपको स्ट्रांग मिल जाती है तब आप अगले स्टेप पर जंप कर सकते हैं। कैसे, ज़रा ध्यान दीजिए इस चीज़ को। MRF का सबसे फ्रंट पेज या जिसे हम ओवरव्यू कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते समय सबसे पहले हम कंपनी का ओवरव्यू देखते थे, ठीक है ना। स्टैंड अलोन बेसिस पर कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, अर्निंग पर शेयर कितना है, पी कितना है, कंपनी की प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, बुक वैल्यू क्या है। जब ये फर्स्ट ओवरव्यू हमको लगता है कि हाँ कंपनी बढ़िया है और एनालिसिस करने लायक है, तब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स यानी कंपनी की बैलेंस शीट खोलते हैं। जब हमें कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग मिलती है तब हम कंपनी का थर्ड पार्ट खोलते हैं जो है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। क्यों, अगर इसी जगह हमको किसी कंपनी की बैलेंस शीट घटिया मिल जाए, जैसे सुजलॉन या रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी कंपनी की बैलेंस शीट घटिया, क्या कैश रिजर्व लगातार घट रहा है, लोन लगातार बढ़ रहा है, तो हमको पता है कि कंपनी की बैलेंस शीट घटिया है, तो अब इसके बाद इस कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखने का मतलब ही नहीं है। इस कंपनी पर फिर और मेहनत ही नहीं करनी, इसको हम इसी जगह छोड़ देंगे। इसीलिए फ्रेंड्स हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंपनी को एनालाइज करना सिखा रहे हैं। पहले ओवरव्यू देखना है, अगर ओवरव्यू में ठीक है कंपनी, कहाँ चला गया, अरे ओवरव्यू गायब हो गया, बताइए। अच्छा यहाँ से आएगा ओवरव्यू, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर ओवरव्यू अच्छा है कंपनी का तब जंप कीजिए कंपनी की बैलेंस शीट के लिए, अगर बैलेंस शीट स्ट्रांग है तब जंप कीजिए कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के लिए। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस है बैलेंस शीट की, कि बैलेंस शीट एक बार में तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आती है, साथ ही साथ बैलेंस शीट दरवाजे भी खोलती है आपके लिए फर्दर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को एनालाइज करने की। अगर बैलेंस शीट स्ट्रांग है तब तो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट करना है एनालिसिस, नहीं तो इसी जगह पर कंपनी को छोड़ देना है और अगली कंपनीज चूज करने के लिए आगे बढ़ जाना है। सो उम्मीद है फ्रेंड कि इस सेशन से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। सेशन था बैलेंस शीट के बारे में, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया, हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं, आपके कमेंट से। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके हमें बताइए कि क्या समझ में आया है आपकी बैलेंस शीट के बारे में। और अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए ज़रूर, ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से ही हमको पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे इसके बाद अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। अब आप हमारी मदद भी कर सकते हैं स्क्रीन पर आ रहे इस पेटीएम नंबर पर, साथ ही आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। शेयर एकेडमी एक ईमानदार कोशिश है नॉलेज शेयरिंग की। मार्केट में चल रहे लाखों रुपए के सेमिनार में दिया जाने वाला नॉलेज हम यहाँ पर आपके साथ फ्री में शेयर करते हैं। सो जुड़े रहिए शेयर एकेडमी के साथ, और हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स दैट मनी नेवर स्लीप्स। थैंक यू वेरी मच।